हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। अभी रिसेंटली जम्मू में एक टेरर अटैक हुआ था जो ड्रोन्स के थ्रू किया गया था। तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारे मेंस पेपर के लिए, मेंस पेपर जनरल स्टडीज पेपर 3 नेशनल सिक्योरिटी। तो ड्रोन्स एंड नेशनल सिक्योरिटी ये एक नया टॉपिक पैदा हो गया है अभी। और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ड्रोन्स के ऊपर एक न्यू पॉलिसी लेके गए थे, बेसिकली अ न्यू सेट ऑफ रूल्स फॉर द यूज ऑफ अनमैन्ड व्हीकल्स या फिर ड्रोन्स। तो उनके लिए न्यू सेट ऑफ रूल्स वर रिलीज इन द ईयर 2021। तो अगर दोनों को एक साथ देखें तो मेंस के लिए एक क्वेश्चन बनता है, हमें पक्का प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर इससे पहले अभी शुरू करते हैं हम ड्रोन अटैक और फिर आगे आगे धीरे धीरे चलते हैं इसके ऊपर। तो ये जम्मू में हुआ था कि एक ड्रोन जो क्वाड कॉप्टर होता है ना शादी वादी में आप देखते हो, तो उस ड्रोन क्वाड कॉप्टर में एक बॉम्ब वो स्टिक कर दिया था और उसको फिर एक अटैक क्रैश करवा दिया और यहाँ पे एयरफोर्स की बिल्डिंग पे वो हिट किया। ये बहुत पास था जो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स होते हैं उसके बहुत पास ये क्रैश ये अटैक हुआ। इस बार ये ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, आप देख सकते हैं ये फोटो यहाँ पे, तो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ पर सीलिंग टूट गई वहाँ पे। पर हमेशा इतने लकी नहीं रहते, कहते हैं ना नॉट एवरी डे इज अ संडे। तो अभी देयर इज लॉट ऑफ फोकस ऑन हैविंग अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज की रेगुलेशंस की भाई कैसे ये ड्रोन अटैक से बचा जाए। अभी आप देखो ना ये तो कम अटैक हुआ, ये ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ यहाँ पे, पर कुछ टाइम पहले सऊदी अरेबिया में ड्रोन्स के थ्रू ऐसा अटैक किया गया था। एक अरामको ऑयल रिफाइनरी है, अरामको इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑयल प्रोड्यूसर्स इन सऊदी अरेबिया, और ड्रोन के थ्रू ये अटैक किया गया था। तो अब देखो कितना बड़ा डैमेज हुआ है बाय अ मिलिटेंसी ग्रुप जिसको बोलते हैं हम हाउदीज। ये यमन में जो अभी वॉर चल रहा है, यमन वॉर बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यमन में जो हो रहा है, दैट इज़ अगेंस्ट द हाउदीज विच आर बैक्ड बाय ईरान। तो चलो ये आपको प्रीलिम्स के लिए पता चल गया। तो ये ऐसे डैमेज हो सकता है, आज लकी थे हम लोग पर आगे और डैमेज हो सकता है। और सिर्फ एयरफोर्स स्टेशन तो एक एक्सक्लूसिव एरियाज हो जाते हैं, सिविल एरियाज में हो सकता है, लोगों के अगेंस्ट अटैक हो सकता है, कहीं भी कहीं से भी अटैक हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, पब्लिक सेफ्टी कंसर्न है, इसीलिए वी नीड टू हैव अ रीलुक और रीविजिट द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। हमें एक डॉक्ट्रिन बनानी चाहिए फॉर द सेफ्टी रीजंस अभी जो ड्रोन्स के साथ हो सकता है। तो ड्रोन से हमें क्या खतरे हैं, पहली बात है टेरर अटैक हो सकता है ड्रोन्स में, जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा वैसा ही एक अटैक हो सकता है। सेकंड, देखा गया है एक्चुअली पाकिस्तान के थ्रू, हमारा बॉर्डर थोड़ा पोरस है तो स्मगलिंग हो रही है, द स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स ये वहाँ से हो रहा है, ऐसे देखा जा रहा है। और फिर ये भी देखा जा रहा है देर इज़ स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी एक कंसर्न है। और फिर अगर ड्रोन्स ऊपर चढ़ रहे हैं, जैसे शादी वगैरह में आपने देखा हुआ है वो कैमरा लगा के वो फोटो खींच लेते हैं पूरी, है ना, तो यहाँ पे भी तो अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री का है, डिफेंस इंफ्रा है, प्लेन्स कहाँ खड़े होते हैं, आर्मी की ट्रूप्स कहाँ सोते हैं, उरी अटैक उनको पता था कि ट्रूप्स सोते कहाँ पे है, तो ये सर्वेलेंस एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ड्रोन्स के थ्रू आराम से की जा सकती है। हमेशा वो इंफ्रा नहीं होता कि मतलब रडार्स नहीं होते कि ड्रोन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हर जगह नहीं होती है फैसिलिटी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, कोई भी कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए इसको रिविजिट करना ज़रूरी बनता है। नाउ कंसर्निंग फैक्टर्स अबाउट ड्रोन अटैक्स, इट इज़ वेरी लो कॉस्ट, ड्रोन मार्केट से खरीदो कितने का भी आ जाएगा, 5,000 कितने का भी आ जाएगा, उसको उसके थ्रू आप अटैक करो और लो कॉस्ट है, आपको आदमी के जान का खतरा नहीं है, मिलिटेंट्स उनकी लाइफ बच सकती है इसमें, तो ये लो कॉस्ट है यहाँ पे। देन इट कैन बी डन वाया अक्रॉस द बॉर्डर, और इंडिया के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो भी इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। फिर इसकी वर्सेटैलिटी,
वर्सिटैलिटी ऑफ द यूज ऑफ ड्रोन्स. कहीं भी किसी भी समय और कोई भी अटैक कर सकता है. सो एनीवेयर एनी टाइम बाय एनीवन, दिस इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ड्रोन बेस्ड अटैक्स. तो इसलिए बहुत बड़ा कंसर्न है. अब आते हैं मेजर्स पे, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. इतना तो हमने बता दिया कि ड्रोन्स के बारे में क्या है, पर मेजर्स, और ये मेजर्स एक एक्सक्लूसिव है जो अभी यहाँ पे आपको मिल रहा है, बिकॉज आपको आराम से ये नहीं मिलने वाले ये सारे फैक्ट्स, ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे. तो फर्स्ट थिंग इज दैट देर इज दी अनमैंड, अभी मैंने आपको बताया था 2021 में ही अ न्यू सेट ऑफ रूल्स वर रिलीज्ड. सो द अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स वर रिलीज इन द ईयर 2021. तो ड्रोन्स हो रहे हैं, ड्रोन्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत गवर्नमेंट को फील हुई थी, तो ये DGCA ने ये सेट ऑफ रूल्स रिलीज़ किए. और उनके उन्होंने एक चीज़ उसमें डाली है अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी ड्रोन्स. हर एक ड्रोन की, कोई भी टाइप का ड्रोन हो, ड्रोन बेसिकली नैनो, स्मॉल, मिनी, माइक्रो, ऐसे क्लासिफिकेशन है, नैनो बिंग द स्मॉलेस्ट. तो कोई भी ड्रोन हो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो उसके थ्रू ड्रोन को ट्रेस कर सकते हैं और उसमें खरीदने बेचने का भी प्रोविजन है. तो दिस कैन बी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड. अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ड्रोन अटैक किसने किया या ड्रोन कोई फ्लाई कर रहा है, कौन सा ड्रोन, किसका ड्रोन है, वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं. इसलिए ये इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है. सेकेंड, the set of rules define the norms for identification, जैसे अभी बोला मैंने. Then it also has provisions for geofencing capability. आप किसी भी जगह को geofence कर दे digitally, आप बोलो कि ये drone इस area में नहीं जा सकता. आजकल ये नई new age cars है, जैसे Creta car है, उसमें भी ये feature है कि geofencing लग सकती है ताकि गाड़ी चोरी ना हो. It will remain within the city, या जो भी यूज़र ने या ओनर ने डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली ही गाड़ी जा सकती है. तो डिजिटली आप गाड़ी को फेंस कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं कि वो इसी ज्योग्राफी में ही घूम सके. देन इट शुड हैव अ सिस्टम ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम. किसी भी फ्लाइट को अपने आप बंद किया जा सके, ऑटोनोमस फ्लाइट टर्मिनेशन. टर्मिनेशन मीनिंग बंद करना, एंड करना. It also defines a set of no-fly zones. जैसे डिफेंस establishments या क्रिटिकल इंफ्रा वो इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पर नहीं उड़ा सकते. अगर उड़ाओगे तो फाइन लगेगा. तो देर आर हैवी पेनल्टीज इफ अ पर्सन प्रोहिबिट्स दी सेट ऑफ रूल्स. एंड देन देर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ लाइसेंसेस. अगर आपको ड्रोन उड़ाना है तो लाइसेंस चाहिए. अब इसका दो फायदा हो गया. एक लाइसेंस का फायदा ये हो गया कि जो ट्रेंड है वही ड्रोन उड़ा सकता है. तो किसी में टक्कर मारती तो ड्रोन ने, इसको किसी को चलाना नहीं आता तो ड्रोन टक्कर मार सकता है, इसलिए खतरा है. तो एक होता है कि ट्रेनिंग है उस आदमी के पास. एंड दूसरी बात यह है कि हमें पता है कि किसके पास ड्रोन है. जिसको लाइसेंस सैंक्शन हुआ है उसी के पास ड्रोन होगा, वही उड़ा सकता है. तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे. बस इस रिगार्ड में हमें ये ध्यान में रखना है कि नैनो ड्रोन्स के लिए ये प्रोविजंस नहीं है, बहुत रिलैक्स्ड है. तो ये कंसर्न है कि नैनो ड्रोन से तो अटैक कर सकते हैं, तो नैनो ड्रोन्स को भी स्टडी करना चाहिए. जैसे गन्स के पोजीशंस के लिए रूल होना चाहिए, लाइकवाइज नैनो ड्रोन्स के लिए वी नीड टू रिविजिट कि इसके लिए भी लाइसेंसिंग प्रोविजंस होने चाहिए. एंड देन ये तो आपका रूल्स हो गया. अभी अटैक हुआ है, वी कैन से दैट देर इज़ अ नीड फॉर स्टडी इम्प्लीमेंटेशन, स्टडी एंड कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स. और वी कैन से देर इज़ अ नीड टू टाइटन द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रूल्स. ये हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए वेरी पर्पसफुली. और सेकेंड है टू डेवलप और अक्वायर. अभी ड्रोन का कुछ हो गया, कोई अटैक कर रहा है, तो हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम उसको रोक सके. कोई अटैक कर रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप उसको रोक सको. सो टू डेवलप और अक्वायर काउंटर अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स कैपेबिलिटी. अभी आपको याद है वो इसराइल पैलेस्टाइन का जो रॉकेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट फायर कर रहे थे, तो उसमें देयर वाज अ स्टॉक ऑफ आयरन डोम.
है ना, तो वो रॉकेट फायर कर रहे थे और आयरन डोम इसराइल का वो रॉकेट्स को ब्लॉक कर ही जा रहा था। तो ये एक काउंटर मैकेनिज्म था। तो ऐसा ही कोई मैकेनिज्म कुछ कुछ एडिटोरियल्स में, न्यूज़पेपर्स में मेंशन किया गया है, दैट हैज़ टू बी, दैट कुड बी इम्प्लीमेंटेड। बाकी ऑफिसर्स ने ये बोला है, ऑफिसर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दे आर सेइंग दैट द न्यूट्रलाइजिंग ऑफ ड्रोन्स, किसी ड्रोन को हम रोक सकते हैं बाय जैमिंग और स्पूफिंग। हम जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है, मान लो ड्रोन ऑपरेट हो रहा होगा फ्रॉम अ रिमोट कंट्रोल, कोई ऑपरेटर होगा उसका, यूज़र होगा, तो उस सिग्नल को हम बंद करते या उसको ब्लॉक करते या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते, तो वो ड्रोन ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, या वी कैन हैव अ मैकेनिज्म ऑफ शूटिंग द ड्रोन्स, यू नो, बाय मीन्स ऑफ गन्स, मिसाइल्स और हार्ड किल ऑप्शंस। तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये ऐसे बोलना तो बहुत आसान है, पॉलिसीज लिखते हो आप, बट एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। कौन कब ड्रोन कर रहा है, ड्रोन यूज़ कर रहा है, इट्स नॉट अ प्लेन कि ऊपर से आपको दिख रहा है, कहीं से कहीं भी अटैक हो सकता है। तो इसके लिए हमें अपनी कैपेबिलिटीज को और इन्हांस करना पड़ेगा, हमें इनोवेशन की ज़रूरत है, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस कि वो स्ट्रिक्ट तो है, नेशनल सिक्योरिटी प्रिजर्व तो करते हैं, बट एट द सेम टाइम इट अलाउज, इट गिव्स द स्कोप ऑफ इनोवेशन। हम इनोवेट कर सके सो दैट वी आर अ लीडर इन द ड्रोन ड्रोन सेक्टर, एज वेल एज ये जो आपका काउंटर अनमैन्ड सिस्टम्स है उसके लिए भी हमारे पास एक कोर कॉम्पिटेंसी है। सब गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बाहर से भी करना पड़ेगा। सो कल्चर ऑफ इनोवेशन स्पेशली वाया स्टार्टअप्स। तो ये सब था हमारे पास आज ड्रोन के इस छोटे से वीडियो के ऊपर, एंड आई कैन अश्योर यू दैट दिस, यू इफ यू हैव वॉच दिस वीडियो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर मेन्स आंसर राइटिंग। आप इसको जो मैंने बोला है आप उसको अगर एज इट इज भी लिख दो, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको यूनिक पॉइंट्स मिलेंगे इस वीडियो में, हमारे अभिमन्यु आईएएस के सेशंस में। और इस कंटेक्स्ट में आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एवरी वीक हम लोग मंडे को 12:30 to 1:30, कभी कभी थोड़ा आगे भी चला जाता है, बट 12:30 लाइव यूट्यूब सेशन कर रहे हैं ऑफ वीकली करंट अफेयर्स। तो वीकली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। वो मंथ का होता है ना, बहुत लंबा पड़ जाता है, बहुत दूर होता है, और डेली भी कभी कभी इररेलेवेंट न्यूज़ भी आ जाती है उसमें। वीकली में हमें रिफाइन भी हो जाता है और हमें अच्छे पॉइंट्स आपको देने में, प्रेजेंट करने में हेल्पफुल रहता है। तो यह हम आपको हर एक बार बात में बताते हैं कि कैसे वो रेलेवेंट है फॉर प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस। तो आप उसको देखिए, आप अभी अभिमन्यु आईएएस के चैनल पे जाइए, या फिर जब गूगल करें अभिमन्यु आईएएस या अभिपीडिया स्पेस वीकली करंट अफेयर्स, और इस सीरीज़ का नाम है फ्लैश सीरीज़ जो अभी हम वीडियोस कर रहे हैं। तो अभिमन्यु फ्लैश करिए, उसको देखिए, और आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन ऑलवेज कमेंट योर क्वेरीज ऑन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस, एंड आई एम योर करंट अफेयर्स मेंटर शुभाशीष सिंह रेहाल। बाय बाय, टेक केयर।